हेलो दोस्तों, आज जो हम दो रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। ये ओनम फेस्टिवल में मस्ट मेक रेसिपीज़ हैं। वैसे तो ओनम फेस्टिवल में बहुत सी रेसिपीज़ बनती हैं, पर ये इतनी टेस्टी हैं कि इनको बनाना तो बनता ही है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और बहुत बहुत स्वागत है आपका योर होम कुक चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बना रहे हैं पाइनएप्पल पचड़ी, और इसके लिए मैंने लिया है एक फ्रेश पाइनएप्पल जिसको मैं अच्छे से कट कर लूँगा। मेक श्योर कि आप अच्छे से पाइनएप्पल को कट करें, और जो भी ये छोटे छोटे होल्स होते हैं पाइनएप्पल के अंदर, ये भी हमें निकालने हैं। तो मैंने एक पीलर की मदद से इनको सारा, देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। अब देखिए, मैं इसको हाफ में कट कर लूँगा, और जो इसके बीच में हार्ड वाला पोर्शन रहता है पाइनएप्पल का, उसको हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। ये जो पोर्शन है इसको हम कट करके निकाल लेंगे, और उसके बाद मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड करके एक बाउल में रख लिया है। और अब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे, और उसके लिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और उसके बाद मैंने डाला है 1 कप पानी। उसके साथ साथ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, और साथ में जाएगा 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और साथ में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून सॉल्ट। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैंने कर दिया है इसको अच्छे से मिक्स। अब लेड लगाकर हमें इसको देनी है 4 विसल्स, और 4 विसल्स के बाद हम इसको खोलेंगे। तो जब तक हमारा पाइनएप्पल कुक हो रहा है, तब तक हम एक कोकोनट का पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कोकोनट लिया है, और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल लिया है क्यूब्स में काट के, और साथ में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स एंड 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और जाएगी इसमें 1 ग्रीन चिली, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि हम इसका थोड़ा सा पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना पाए। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी चाहिए होगी हमें। ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं है, बट हाँ, मैंने इसको कोर्सली ब्लेंड कर लिया है, और ये हम पाइनएप्पल के अंदर डालेंगे। अभी देखिए, कुकर का पूरा प्रेशर निकलने के बाद मैंने लेट हटाई है, और पाइनएप्पल पूरी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना कोकोनट का पेस्ट, और फटाफट से कर लेता हूँ मैं इसको मिक्स। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स करें, और हमें लगभग इसको 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा बॉयल भी आ गया है, और मैं 5 मिनट तक इसको पकाऊंगा। और मुझे थोड़ा सा सॉल्ट इसमें कम लग रहा था, तो लगभग मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है, और साथ में मैं डाल रहा हूँ 1.5 टेबलस्पून शुगर का। फिर से कर लेते हैं इसको अच्छे से मिक्स, और थोड़ा थोड़ा मैं इसको साथ में मैश भी कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से इसके अंदर कोकोनट, शुगर और पाइनएप्पल मिक्स हो जाएं। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं गैस बंद करूँगा, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे कर्ड। दोस्तों, अब ये ठंडा हो चुका है, और मैं इसमें कर्ड डाल रहा हूँ। मैंने लिया है 1.5 कप कर्ड, और मैंने इसको अच्छे से विस्क कर लिया था। अब मैं इसको फटाफट से इसमें मिला लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग बोल में डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है घी।
अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए, क्योंकि कोकोनट ऑयल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने घी लिया है, और घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके बाद मैंने डाला है 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, और जैसे ये क्रैकल हो जाएं उसके बाद आप कुछ कड़ी पत्ते डालें, और एकदम से ये तड़का आप पाइनएप्पल पचड़ी पे डाल दें। ये देखिए, और ये आपकी पाइनएप्पल पचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसको मिक्स कर लें, और देखिए मैं आपको मिक्स करके भी दिखाता हूँ। ये मैंने थोड़ी सी मिक्स करी है, और मैं आपको एक क्लोज़अप दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए कैसा इसका लुक आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे, जो कि है बनाना चिप्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं रॉ बनानास। ये स्मॉल रॉ बनानास हैं, और मैंने इनको दोनों साइड से कट कर लिया है, और इस तरीके से मैं इसको पील कर लूँगा चाकू की मदद से। मैं इसको पूरा पील कर लूँगा, और सारे बनानास इसी तरीके से पील करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें पील करने हैं। अब देखिए मैंने एक स्लाइसर ले लिया है, ये देखिए ये स्लाइसर है, और हम इसकी हेल्प से बिल्कुल थिन और परफेक्ट बनाना स्लाइसेस बना लेते हैं। ये देखिए बनाना स्लाइसेस बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं, और इस तरीके से हम सारे बनानास के स्लाइस कर लेंगे, और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। चिप्स में थोड़ी सी सॉल्टीनेस और कलर लाने के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़े से पानी के अंदर 1/2 teaspoon सॉल्ट और 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर डाला है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये हम चिप्स के ऊपर डालेंगे फ्राई करते हुए उनको। अब कढ़ाई में मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, और अब मैं इसमें बनाना स्लाइसेस डाल रहा हूँ। अब इनको अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। लगभग 2 मिनट फ्राई करने के बाद ये देखिए चिप्स बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना टर्मरिक और सॉल्ट का जो हमने घोल बनाया था वो हम ऊपर से डालेंगे। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, और चिप्स में सॉल्टीनेस भी आती है, तो आप इसको ज़रूर डालें। मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है, और देखिए इसको हिलाने के बाद देखिए कलर बिल्कुल इसका चेंज हो चुका है। ये डालने के बाद लगभग मैंने 1 मिनट और पकाया है, और अब आप देख सकते हैं कि बबल्स बनने थोड़े कम हो गए हैं तेल के अंदर, तो दैट मीन्स ये हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ प्लेट में। ये देखिए इसका कलर भी कितना परफेक्ट आया है, और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखिए अब मैंने इसको सर्विंग बोल में निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे बने हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और आप सबको मेरी तरफ से ओनम फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।